क्या है ना कि यहाँ पे लोग ज़्यादा पागल समझते हैं दूसरे इंसान को। दिक्कत ये है, जो रामेश्वरम टेम्पल है वो ज्योतिर्लिंग भी है और धाम भी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं। जो हमने इनको बोला था कि रामेश्वरम टेम्पल जाना हमें, अब इन्होंने बोला कि 1,500 रुपये 1,500 रुपये लेंगे हमको आधे रास्ते आने के बाद। तो भाई जिस पॉइंट में मैं अभी खड़ा हूँ ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, मतलब एज अ लैंड बॉर्डर। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को पता है मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लेके कन्याकुमारी साइकिल राइड पे, और पहले मैं आया हूँ रामेश्वरम और अभी मैं हूँ रामनाथापुरम करके है। रामेश्वरम से तकरीबन 55-60 किलोमीटर पहले। आज हम साइकिल से नहीं जा रहे, साइकिल हमने होटल खड़ी कर दी और हम जा रहे हैं बस से लोकल ट्रैवल करेंगे, जिससे आप सबको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि अगर आप रामेश्वरम जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो। तो मैं अभी रामनाथपुरम में हूँ, तो यहाँ से मैं लूँगा बस रामेश्वरम की और फिर वहाँ से आपको पूरी डिटेल देता हूँ मैं कि कैसे जा सकते हो। तो वीडियो में बने रहो। हर हर महादेव। तो भाई कुछ इस तरीके का है रामनाथपुरम, अपना यहाँ से लेंगे बस। मतलब ये सिटी है एक, रामेश्वरम से तकरीबन 55-60 किलोमीटर पहले ही मैंने बताया जैसे। तो हम यहीं रुक गए थे क्योंकि लेट हो गए थे, तो होटल ले लिया था। तो सोचा अब यहाँ से बस में चलते हैं, जब तो ये जा रही बसें और इनकी भाई बहुत कलरफुल बसें हैं, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि जो रामेश्वरम टेम्पल है वो ज्योतिर्लिंग भी है और धाम भी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं जो हिंदू रिचुअल्स में, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग और एक धाम भी है। मतलब 4 धाम में से ज्योतिर्लिंग में से एक वो भी है, दोनों हैं। तो वो देखने मैं जा रहा हूँ। वहाँ से चलेंगे धनुषकोडी, मतलब जो राम सेतु है वो भी देखेंगे, जो श्री राम जी ने बनाया था हनुमान जी ने, वो भी देखेंगे। तो बस अपन लेते हैं यहाँ से। पूरी वीडियो देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मंदिर के बारे में, जैसे जा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, फूड के बारे में, होटल्स के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। तो प्लीज़ लोग पूरा देखना। तो भाई हमने ऑटो लिया है अपना, भैया ने हमारी हेल्प कर दी। तो यहाँ से बस से भी जा सकते थे वैसे तो, पर हमने ऑटो ले लिया। तो हमारे लगेंगे 180 रुपये। 180 रुपये में हम पहुँच जाएंगे मंदिर। और ये रामनाथपुरम है, जो यहाँ से अपना मस्त 50-55 किलोमीटर के करीब है। तो 180 रुपये तो ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। तो चलते हैं भाई और मिलते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर, बाबा का दरबार। हर हर महादेव। तो भाई ये बस स्टैंड है रामनाथपुरम। अगर हम बस में जाते तो यहाँ से बस ले सकते थे अपना, यहाँ से डायरेक्ट रामेश्वरम की बस मिल जाती। ये सिटी अपना जहाँ पे हम रुके, रामनाथपुरम, बढ़िया सिटी है रामेश्वरम। चाचा मिल के हमें यहाँ से डलवाएंगे चाचा फ्यूल। तो भाई मैं वही, यही है ना प्रॉब्लम कि हम लोग इनको समझा नहीं पाते, और जिसको समझाते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन देकर चले जाते हैं। अब हमारे साथ तो गलत हो गया ना ये चीज़। अब हमने इनको बोला था कि रामेश्वरम टेम्पल जाना हमें, अब इन्होंने बोला कि 1,500 रुपये 1,500 रुपये लेंगे हमको आधे रास्ते आने के बाद। तो ये कोई मतलब नहीं है, ये तो टूरिस्ट के गलत। 1 किलोमीटर चलते ही ये तो टूरिस्ट के साथ गलत है ना। फिर टूरिस्ट के साथ ऐसा गलत, मतलब बहुत ही फुद्दू बिहेवियर है ये तो, बहुत ही फुद्दू। भाई बहुत संभल के आओ यार इन चीज़ों में ना, बिल्कुल मत फंसना स्कैम में इन लोगों के। एक तो वैसे ही हमें यहाँ की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है बड़ा, ठीक है, और मैंने उसको समझाया भी पूरा प्रॉपरली कि 50-60 किलोमीटर बोला। हाँ रामेश्वरम टेम्पल 180 रुपये, बट उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि बीच रास्ते में रोक दिया किसी से बात कराने के लिए कि आप इनसे पूछो पहले, तो बोले कि 1,500 रुपये लेंगे हम। तो मतलब ये कौन सा बात है, ये लूटने का चक्कर है और कुछ। टूरिस्ट लोगों को देखो, आर्ट को। एक तो वैसे ही तमिलनाडु में जब से आया हूँ ना मैं, तो मेरा इम्प्रेशन वैसे अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कोई मिलनसार नहीं है, कोई रुक के बात करना ये वो कुछ नहीं है, है ना। मतलब पूरा इंडिया घूम के और ऑलमोस्ट इंडिया के लास्ट में हूँ मैं, और यहाँ की बड़ा अजीब सा इम्प्रेशन रहा मेरा। तो वैसे ही, और ऊपर से इस तरीके की हरकत हो जाए तो और बुरा लगता है। पर ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, सफ़र है। आप लोग आओ तो आप लोगों के लिए ये सीख है कि आप लोग सेफ़ रहो ऐसी चीज़ों से। इसमें हमें जाना है, इस बस में जाएंगे। तो भाई ये बस ले ली हमने, अपना लोकल बस। अभी लोकल बस का भी एक्सपीरियंस हो गया, एक के साथ तो काम हो गया हमारा स्कैम। अब लोकल बस में आए तो 45 रुपीज़ एक बंदे की टिकट लगी हमारी, रामानाथपुरम से लेके रामेश्वरम तक। तकरीबन 55-60 किलोमीटर है अभी, तो 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। और बीच में वो भी आएगा, पम्बन ब्रिज है जिसपे से ट्रेन भी जाती है और वो भी जाता है, तो वो भी दिखाऊंगा हम आपको। अगर आप ट्रेन से आते हो कहीं से भी रामेश्वरम, तो वो ब्रिज के ऊपर से जाती है और ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर ट्रेन चल रही है। तो वो एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हो तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो। आपको ट्रेन से मदुरई से मेरे ख्याल डायरेक्ट ट्रेन आती है, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती रामेश्वरम की। मदुरई आना पड़ेगा मेरे ख्याल। बाकी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा ट्रेन की, और आप ट्रेन से आओगे तो ये एक्सपीरियंस मिलेगा फिर आपको। और अभी तो ब्रिज आएगा, पम्बन ब्रिज को दिखाता है, तो नीला समुद्र। वाह यार वाह, ये ब्रिज है भाई साहब, पम्बन ब्रिज, पावन पुल। ये देखो, अब इस पे ट्रेन जब चलेगी तो ऐसा फील होगा कि ट्रेन है जो वो पानी पे चल रही है, क्योंकि वो इतना नीचे है। वाओ यार वाओ, व्हाट अमेजिंग व्यू, बहुत गजब है ये, बहुत गजब। कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे दर्शन करने जा सकते हो आप महादेव के। भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल, क्या बनाया हुआ है ना। अभी अंदर नहीं गए हम क्योंकि बस में अभी जा रहे हैं, ये थोड़ा सा पहले है रामेश्वरम से। अभी रामेश्वरम बचा है 5-6 किलोमीटर और जाएंगे अभी जल्दी। तो भाई यहाँ से अपना ऑटो ले लिया हमने, शेयरिंग ऑटो। शेयरिंग ऑटो मिल गया अपना, जो प्राइवेट ऑटो है वो 100 रुपये मांग रहा था, पर इनमें 20 रुपये में लेके जाएंगे अभी। रामेश्वरम टेम्पल, और ये कुछ आसपास का एरिया। ये आसपास का एरिया 500 का है मेरे पास। और यहाँ से हम अभी सीधे जाएंगे मेरे ख्याल, या फिर रास्ता नहीं है मेरे, पता नहीं, देखते हैं अभी क्या सीन है जाने का, फिर पता लगेगा। अभी चलते हैं भाई, ये कुछ आसपास की मार्केट आपकी। तो भाई हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। बिल्कुल मंदिर में से तकरीबन 50 सौ मीटर आगे है। और क्या खुशी हो रही है, साइकिल से आए, मतलब ऑलमोस्ट रामेश्वरम तक तो साइकिल से आ ही गए। हाँ यार, बाबा ने बुलाया वो भी साइकिल से, मज़ेदार। और ये एक आइलैंड है, ये भी बता देता हूँ, रामेश्वरम एक आइलैंड है। जो इसका जो बड़ी सिटी है वो वही है रामानाथपुरम, जो जहाँ पे हम रुके थे। पर आपको यहाँ पे इजीली होटल्स हैं जो, और लॉन्ज है, वो है, होटल्स हैं, धर्मशाला जब वो मिल जाएंगी इजीली। तो आप आओगे, देखो जैसे सारी जगह देखोगे आप, ये धर्मशाला लिखा हुआ है, कांगड़ा धर्मशाला, उसके आगे रमेश पार्क लॉज, इधर लॉज है, ये हॉस्टल्स हैं सारे, होटल सॉरी। अभी क्या है ना कि ट्रैवलिंग जब से स्टार्ट किया तो हॉस्टल्स में रहने की आदत पड़ गई, तो मुँह पे हॉस्टल ही चढ़ गया है, तो होटल्स बोलना भी भूल गया हूँ, लेकिन होटल्स हैं ये। और धर्मशाला ये बिल्कुल सामने ही आपके मंदिर है। अभी मंदिर पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको, और पूरी इन्फॉर्मेशन मंदिर के बारे में देता हूँ आपको। जो होटल्स है वो तकरीबन 1000-1200 रुपये तक मिल जाता है इजीली, और धर्मशाला है जो 400-500 रुपये में आपको मिल जाएगी। बाकी आप आके अपना बार्गेनिंग सिस्टम है जो वो चला सकते हो। ये आ गया भाई टेम्पल, और पास में पूरे होटल्स हैं, खाने पीने का, पार्किंग, अपना आप अगर गाड़ी से बाइक से आ रहे हो पार्किंग वगैरह सब अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स हैं। और बिल्कुल सामने ही टेम्पल है अपने, पास में पूरे होटल्स, एसी नॉन एसी, धर्मशाला सब मिलेगा आपको। ये है वेस्ट गेट एंट्रेंस, वेस्ट टावर एंट्रेंस। जो एंट्री हमारी होगी वो होगी, मैंने पुलिस वालों से पता किया है, तो वो होगी ईस्ट गेट से। कैमरा फ़ोन अलाउड है पर आप कुछ कैप्चर नहीं कर सकते, तो जितना भी मैं आपको दिखाऊंगा वो बाहर से दिखा सकता हूँ, सिर्फ अंदर जाके मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो ये आप बाहर से दर्शन करना, और हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखना। तो भाई यहाँ से अगर आपको स्नान करना है 22 कुंड तो यहाँ से जा सकते हो, 25 रुपये लगेंगे। और ये बाल्टी लेके खड़े हैं तो ये लोग आपके स्नान कराने में हेल्प करेंगे, तो आप यहाँ पे स्नान कर सकते हो। 22 कुंड का मतलब है कि जो बताते कि तो आवाज़ बहुत आ रही है, यहाँ पे 22 कुंड है और बोलते कि आप कितने भी पाप करो वो सब धुल जाएंगे उनमें। ऐसा नहीं है कि आप पाप करते रहो और भगवान धुलता रहे, पर फिर भी ये बोलते कि पाप धुल जाते। और जो राम जी के 22 धनुष थे, ये उनसे कुछ सीन है उनका, मतलब मिलता जुलता कि भाई वो 22 थे तो ये भी 22 कुंड है, इस तरीके का कुछ। बाकी अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट मंदिर में हम, क्योंकि अपना फ्रेश कपड़े वगैरह डाल के पूरा नहा धो के आए थे, तो अभी हम जाएंगे दर्शन करने। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप भी मेरे को बता देना, जिससे मेरे को भी प्रॉपर पता लग सके अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज़। तो भाई ये आ गया अपना टेंपल का गेट, ईस्ट गेट। और अभी हम ट्राई करते हैं कि हमारे दर्शन हो जाए, क्योंकि 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और 10 मिनट के करीब बचे हैं। अगर हो जाते हैं तो हम सामान अपना लॉकर में रखते हैं जब तक, और ट्राई करते हैं और आपको वापस आके मिलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। और फिर आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। आप यहीं से दर्शन करो प्लीज़। और ये मंदिर के बाहर का कॉरिडोर है, यहाँ पे आप फोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हो। हमने पुलिस वालों से परमिशन ले ली है वैसे। तो भाई हम दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पे एक स्पेशल दर्शन की भी लाइन होती है, 200 रुपये लगते हैं, तो हमने वो ले लिया था 200 रुपये में। बिल्कुल फ्रंट पे जाके दर्शन करना, यार बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये मंदिर है जो, ये मतलब शिवलिंग है जो, इसकी स्थापना श्री राम जी ने की थी। जब राम भगवान लंका जा रहे थे तो उस टाइम अपनी विजय के लिए कि भाई मैं जीतूँ, उसके लिए भगवान ने मिट्टी का शिवलिंग बना के भगवान की प्रार्थना की थी। श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापित किया था, तो ये शिवलिंग है जो ज्योतिर्लिंग, ये वो ज्योतिर्लिंग है। तो आप सभी को भी और आपके पूरे परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे। हर हर महादेव, जय श्री राम। वीडियो पूरी देखो और वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर लिखो हर हर महादेव, जय श्री राम। भगवान हमेशा सबको खुश रखे। तो भाई ये भी बता दूं, फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड है, वीडियोस और फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर आके आप कर सकते हो, एक कॉरिडोर है वहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हो। अंदर से क्या गिर गया? अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोटोज़ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। मैं कैमरा भी लेके गया था अपना, तो अलाउड है। शूज़ है जो मंदिर के बिल्कुल एंट्री गेट के सामने, ईस्ट गेट के सामने है, जो वहाँ पे उतार सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता उसका। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी मंदिर की। और फूड अभी हम खाने जा रहे हैं, तो वो भी बता दूँगा आपको मैं। तो भाई खाने में हमने मंगाया आज थाली, नॉर्थ इंडियन थाली, ये 120 रुपये की है। देख लो, 4 रोटी हैं इसमें, राइस आएंगे और साथ में 3 सब्जी, दही है और पापड़ है, तो ये भी ले सकते हो। तो भाई हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से रामेश्वरम टेम्पल से, और हम ऑटो ले रहे थे, तो सब उसके साथ मतलब सोलो ऑटो लेते तो 800 रुपीज़ थे, तो हमने अंकल जी आ गए थे तो शेयरिंग में ऑटो ले लिया, तो 200-200 रुपये पर सवारी हो जाएगी, 4 लोग हो गए। हाँ, तो अभी 800 रुपीज़ 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो वो सीन हो है अभी, है ना। तो यहाँ से ये तकरीबन 11-12 जगह है, वो घुमा के लाएंगे, तो आप भी चलो और घूमो। तो भाई हम जा रहे हैं धनुषकोडी राम सेतु, और भाई क्या सुंदर लग रहा है ये, और इतनी ठंडी हवा है यहाँ की, और दोनों साइड समुंदर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मिट्टी बीच टाइप सा है, इसके उधर भी समुंदर है और इधर भी समुंदर है, दोनों तरफ समुंदर है अभी। और हमारे सामने भी समुंदर आ जाएगा अभी, राम सेतु पार करते ही, क्रॉस करते ही भारत फिनिश हो जाती है वहाँ पर लैंड, तो वहाँ से आगे अगर समुंदर पार करके जाओ तो श्रीलंका में एंट्री। देखना यार, यहाँ ये सामने समुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो भाई जिस पॉइंट में मैं अभी खड़ा हूँ, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, मतलब एज अ लैंड बॉर्डर, लैंड जो है वो लास्ट है। समुंदर तो है ही घर, और मेरे राइट साइड में जो है वो इंडियन ओशन है, और मेरे लेफ़्ट साइड में वो है बंगाल की खाड़ी, मतलब ये बंगाल की खाड़ी है, और ये इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ये देख लो, ये बिल्कुल लास्ट पे आ गए हम अभी। पूरा भीड़ हो रखी, पूरी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो यार, बहुत सुंदर है यार। मनोज भाई, मैं साइकिल से आ गया रामेश्वरम तक, उससे आगे हम ऑटो से आए हैं अभी। ये देख लो, बहुत 18 किलोमीटर है, 18 बता रहे थे वो तो 30 बता रहे हैं। ये है जो, ये है इंडियन ओशन और ये है बंगाल की खाड़ी, और इसका दोनों का संगम है आगे। पर इतना फ़र्क है कि वो बिल्कुल शांत और ये बिल्कुल उफान पे है। बहुत बहुत ज़बरदस्त है भाई। उधर चल के देखते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। ये देखो कितने उफान पे है यहाँ पानी, ये इंडियन ओशन है अपना। ये देखो बहुत सुंदर और बिल्कुल नीला पानी है, बिल्कुल ब्लू पानी। देख लो, ये जो मैं बता रहा था भी, इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी, और ये हमारा इसका मिलन है, मतलब यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं। और जो वो सामने एक आइलैंड दिख रहा है, उधर से राम सेतु स्टार्ट है। वाह, सब कूद कूद के जा रहे हैं, चले गया यहाँ पे भाई। दोनों समुंदर मिल गए, और लैंड बॉर्डर जो इंडिया की लैंड है वो यहाँ पे ख़त्म होगी, वो सामने राम सेतु उधर, और यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर, सिर्फ 18 किलोमीटर मेरे बिल्कुल सामने बिल्कुल नीला, बहुत ज़बरदस्त। और इतना कमाल है, इंडियन ओशन है तो पूरा उफान पे है और उत्तर बंगाल के खाड़ी पे बिल्कुल शांत है। तो देख लो भाई कितनी पब्लिक आ रखी दुनिया भर की, इतनी भीड़ होने के मतलब धूप होने के बाद, गर्मी होने के बाद पब्लिक बहुत है। ये इधर है जो ये बंगाल की खाड़ी है। अभी मैंने इंडियन ओशन दिखाया था ना कितने तूफान पे है, मतलब कितनी हाई टाइड्स है उसमें, और इसमें देखो बिल्कुल ख़त्म, धीमे, बहुत शांत। तो भाई अभी मैंने आपको जैसे दिखाया था ना पीछे राम सेतु, तो राम सेतु के बाद मैं आ गया हूँ धनुषकोडी। धनुषकोडी के बारे में बता देता हूँ कि 24 दिसंबर 1964 को एक साइक्लोन में ये पूरी सिटी है जो वो समुंदर के अंदर चली गई। अभी फ़िलहाल बताते हैं कि तकरीबन 11 किलोमीटर अंदर सिटी है और कितने लोगों की डेथ हुई है उसका कुछ नहीं आइडिया। ये देख लो, ये बता रहे कि सामने रेलवे स्टेशन है, ये पुराना रेलवे स्टेशन, उधर एक चर्च है पीछे और एक मंदिर भी है शिवलिंग, वो भी देखते हैं। तो चलते हैं आगे धनुषकोडी देखने। ये देखो लिखा हुआ है इसमें 1964 साइक्लोन डिस्ट्रॉयड धनुषकोडी एंड रामेश्वरम। श्रीलंका, हाँ 27 किलोमीटर। हम फिलहाल यहाँ पे थे, है ना, हम यहाँ पे थे और यहाँ पे श्रीलंका का स्टार्टिंग पॉइंट ये राम ब्रिज जो राम सेतु बोलते हैं जिसको, 27 किलोमीटर, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशन। जो वही ये सब चीज़ें हैं ये ख़त्म होगी, ये बिफोर 1964 का है। ये देख लो, ये था वो रेलवे स्टेशन, ये अपने जो सामने, ये बिल्कुल फिनिश्ड है, कुछ नहीं बचा हुआ अब यहाँ। आपको आगे से दिखाता हूँ इसके अंदर चल के, इसके अंदर अगर कुछ दिखता है तो। नहीं, बंद है इधर से भी। तो ये रेलवे स्टेशन था जो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 11 किलोमीटर बता रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हुई है वो भी नहीं पता। 1964 24 दिसंबर को ये हादसा हुआ था साइक्लोन की वजह से। सिर्फ ये मंदिर है जो बचा हुआ है, शिवलिंग, ये देखो इधर भी शिवलिंग है। कितने बड़े शिवलिंग, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो भाई, इसका नाम है कोठान दारामार टेम्पल। इतना बड़ा नाम समझ में नहीं आ रहा। द होली प्लेस वेयर लॉर्ड्स रामा कंडक्टेड विभीषण ब्रदर ऑफ किंग रावण आफ्टर द बैटल अगेंस्ट रावण। जी हाँ, ऐसा टेम्पल इंडिया में सिर्फ एक ही है और संसार में पता नहीं, पर इंडिया में एक ही है। ये टेम्पल है विभीषण का, जहाँ पे श्री राम जी ने रावण के वध के बाद आफ्टर द वो बैटल विद रावण, श्री राम जी ने जब राजा बनाया था विभीषण का तो वो यहीं पे बनाया था। तो ये कुछ मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यही है मेरे पीछे मंदिर विभीषण जी का। फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है अंदर क्योंकि मंदिर है, तो उसके लिए सॉरी। बट ये बता देता हूँ राम परिवार है, श्री राम जी का परिवार मंदिर के अंदर जो स्थापित है, और एक साइड विभीषण जी की मूर्ति है। तो वही है, गरुड़ की है, हाँ यही है अंदर मूर्तियाँ हैं जो। ये मेरे पीछे ही मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हो। और इधर अपना लोगों ने विशेष कहीं पेड़ पे पूरा मंदिर में अपना पूरा। इधर भाई अपना मार्केट है छोटी सी एक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नारियल पानी वगैरह। और इधर है जो वो फ्लोटिंग स्टोन है, भाई कहाँ है फ्लोटिंग स्टोन? अच्छा यही है क्या? अच्छा ये सामने फ्लोटिंग स्टोन्स है। अब इतनी दूर से तो कैसे पता लगेगा कि तैर रहे हैं ये, चल के देखते हैं। ये देखो सामने अपना फ्लोटिंग स्टोन्स हैं जो वो बोल रहे हैं कि तैरते हुए पत्थर। आज लगता है हमारे साथ तीसरा स्कैम, स्कैम नंबर 3। ये जो पत्थर है ये ऑटो वाले भैया ने बताया फ्लोटिंग स्टोन है, पर ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं अभी फिलहाल। ये फ्लोटिंग स्टोन नहीं है, ये पत्थर के ऊपर पत्थर है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो ये लग रहा है स्कैम नंबर 3 हो गया हमारे साथ आज। तो भाई हम आ चुके हैं वापस अभी रामेश्वरम में, धनुषकोडी और राम सेतु और वो विभीषण टेम्पल देख के। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे लोग ज़्यादा पागल समझते हैं दूसरे इंसान को। दिक्कत ये है, या तो ये ज़्यादा समझदार है या हम पागल हैं। सुबह निकले जब ऑटो वाले ने स्कैम करने की कोशिश की, उसके बाद दूसरे ऑटो में बैठे उसने बोला मंदिर छोड़ूंगा, आधे रास्ते छोड़ के चला गया। अभी क्या हुआ कि 800 रुपये लिए उसने बोला कि 12 जगह दिखाऊँगा, 3 जगह दिखाया, वापस मंदिर ला के छोड़ दिया। मैंने बोला कल कोई बात नहीं ठीक है। उसने बोला था हमें कि वापस बस स्टैंड छोड़ूंगा, फिर मंदिर ले जाके खड़ा कर दिया। कह रहा आप 20-20 रुपये और एक्स्ट्रा तो राम वहाँ तक ले जाने के बस स्टैंड तक। यार हम इंडिया से ही हैं, कोई बाहर से थोड़ी आए हैं कि तुम काटने पे लगे हुए हैं। बाहर वालों को भी नहीं करना चाहिए खैर ऐसा कि आपके कंट्री में कोई आ रहा है गेस्ट तो उसके साथ ऐसा करो। भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई भी आ रहा है बहुत ध्यान से रहो। बहुत स्कैम है, बहुत ज़्यादा स्कैम है, प्लीज़ ध्यान रखो इन चीज़ों का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि जिन बच्चों की मदद के लिए मैं निकला हूँ उन बच्चों तक मैं मदद पहुँचा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके ऊपर भगवान हमेशा कृपा बनाए रखे, भोले बाबा हमेशा आप लोगों को खुश रखे। बस बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, दर्शन करके आया हूँ। हर हर महादेव। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, जब तक जय श्री राम।